रजा ने। रजा ने भेजी? क्यों? तुम तो हमदान भाई के निकाह में हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ बताओगी? बताने को कुछ है नहीं, मैं बस अपने हालात और किस्मत के चक्कर काट रही हूँ। अब तो अपनी बदनसीबी पर मुझे न रोना आता न दिल दुखता मेरा। तुम यहां? रजा ने भेजा क्या? मिर्जा से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन मैं जानता हूं उसे नहीं भेजा हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? हमदान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। जो कुछ भी हुआ मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। किस बात पे? मैंने उस रोज बहुत ओवर रिएक्ट किया, मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। शायद ये मेरी खुदगर्जी है कि मुझे उस वक्त सिर्फ अपना दुख नजर आ रहा था। मैंने आपके दुख के बारे में, आपकी तकलीफ के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे इस बात को समझना चाहिए था कि इस सारे मामले में सबसे ज्यादा ज्यादती तो आपके साथ हुई है, और मैं इस बात को समझने के बजाय आपको कसूरवार समझ रही थी। लेकिन प्लीज आप मुझे माफ करते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा ऐसी गलती ना करूं। ज्यादती तो शायद किस्मत ने मेरे साथ की है, तुमने नहीं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है।
हमदान, क्या हम उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं जो इस गलत फहमी के बिना पर टूट गया? हरगिज नहीं। तुम बहन भाइयों को क्या लगता है, ये दुनिया तुम लोगों के मुताबिक चलती है क्या? और मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है जो मैं घुमाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता और ना ही अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर हमदान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं और आपके साथ रहना चाहती हूं। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, नहीं रहना मुझे किसी के साथ भी। मैं अब किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। मैं रिश्ते से नफरत हो गई है मुझे, थक गया हूं सबको खुश कर करके, नहीं कर सकता अब मैं ये। मैं अकेला रहना चाहता हूं। प्लीज, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो मेरी खातिर? मत करो ऐसा, मत करो। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ताह के लिए समझने की कोशिश करो। मैं सुकून से रहना चाहता हूं, तन्हा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे यूं लग रहा है कि हर तरफ से मुझे कोई ना कोई खींच रहा है, कोई इधर से कोई उधर से। प्लीज यार, जस्ट लीव मी अलोन। तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे, करती हो ना, तो फिर एक काम कर दो मेरा, तुम्हारा कभी मेरे सामने मत आना। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पास अब तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है वीरानियां। कोई इख्तियार दिल पे नहीं क्यों
चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है क्या लगता है ये दुनिया तुम लोगों के मुताबिक चलती है क्या? और मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है जो मैं घुमाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता और ना ही अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, नहीं रहना मुझे किसी के साथ भी। रिश्ते से नफरत हो गई है मुझे, थक गया हूं सबको खुश कर करके, नहीं कर सकता अब मैं ये। रमजानी चाचा जी। जी साहब जी, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऐना का सामान छोड़िए और इस कमरे को लॉक कर दीजिए, यहाँ कोई नहीं आएगा, और मुझे कॉफी बना के दीजिए। साहब जी, एक बात बोलूं आपसे। कहिए। ऐना बीवी आपको रोज याद करती है। याद करती है तो उसको वापस आ जाना चाहिए। साहब जी, आप उनको जाकर ले आए ना प्लीज। मैं ले आऊं? क्यों? मैंने तो उसको कहीं नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से गई है, अपने दिल से। तो फिर भला मैं क्यों लेके आऊं? आप नाराज थे ना साहब जी।
देर हो रही है मुझे, कॉफी दीजिए, छोड़िए और ये रूम लॉक कर दीजिए। ठीक है सच। अना जी। अम्मी। अना बेटे, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें, कोई आया है शायद तुमसे मिलने? अम्मी मुझसे यहाँ कौन मिलने आएगा? ये तो तुम्हारे अब्बू ने नहीं बताया, जाओ जाके देखो कौन है। तुम क्यों आए हो अब यहाँ? मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ ना, प्लीज मुझे मायूस मत करना। मांगने की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती राजा। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुमसे आंख मिलाने के भी काबिल नहीं। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए पुरानी सब बातों को बुलाना बहुत जरूरी है ना। अब क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए? वो रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता है ना, ऐसे रिश्ते पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वैसे भी तुम दोनों इस रिश्ते से तंग हो ना। दूर रहो मुझसे। वो वाकई बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठोकर लगने के बाद तो सभी बदल जाते हैं, माफी का एहसास भी हो जाता है, लेकिन हमेशा जख्म देने वाला याद नहीं रहता, हमेशा वो याद रहता है जिससे मरहम रखा हो। देखो है ना, प्लीज मेरी बात मान लो, क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डाल रही हो? सब कुछ पहले जैसा करने के लिए हमें यह करना ही होगा। मैं जानता हूं मैं आज भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूं, एक मौका दो मैं तुम्हारे सब दुखों का अजाला कर दूंगा। आई प्रॉमिस। तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हारी बहन की शादी हमदान से हो जाए? उस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन है ना तुमसे शादी का फैसला मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं। उसी मोहब्बत की बात कर रहे हो ना जिसने मुझे बेघर कर दिया, मेरे बाप का सर झुका दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ, तुम तो अपनी जिंदगी में मगन थे, और अब तुम्हें वही मोहब्बत याद आ रही है जो कब की मर चुकी है। मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुआ है ना, मैं मानता हूं, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा।
मॉम डैड इस तरह रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मजबूर नहीं थे तुम, बस वो चैलेंज पूरा करना चाहते थे जो मेरे बाद तुमने जीता था। तुम्हारे इस मोहब्बत के धोखे ने मुझे कितना बेमोल कर दिया, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कोई ऐना थी जिसका तुमने दिल दुखाया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है ऐना। ये एहसास तुम्हें अब क्यों हो रहा है? क्योंकि वही सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था ना। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लड़के हैं जिनकी वजह से रोज कोई ना कोई लड़की मोहब्बत के नाम पर कुर्बान हो रही होती है, और तुम लोग बस अपनी अना की जीत मनाते हो। इसीलिए अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। तुम्हारे साथ की गई ज्यादती का मैं बहुत बड़ा बदला दे चुका हूं ना। मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल चुका हूं। बदल तो मैं भी बहुत गई हूं रजा, और यकीन करो तुम क्या, मुझे किसी पर भी यकीन करने का दिल नहीं करता। और ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन का रास्ता साफ करके आई हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की कभी मोहब्बत से एतबार टूटे, कोई और लड़की भी रोज मरे, कोई और लड़की ऐना बने। ये सब मत कहो, वरना वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर हमदान मुझे उस दिन घर छोड़ने ना आया होता और तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी होती उससे, तो क्या तुम तब भी इतने शर्मिंदा होते? तुम्हें तो याद भी नहीं होता कि कोई लड़की थी है ना जिसका तुमने दिल दुखाया था। ना मैम, चले जाओ यहाँ से। तुमसे मैं नफरत का रिश्ता तक नहीं रखना चाहती। इसी चले जाओ यहाँ से अभी उसी वक्त। और सुनो, एक बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं धुतकारते तो मैं कभी भी मर्द का वो हसीन रूप नहीं देख सकती जो मैंने हमदान के साथ रहकर देखा। जो इज्जत, मान और एतमाद उन्होंने मुझे दिया, अगर मुझे वो नहीं मिलते तो शायद मर्दों के बारे में मेरी राय कुछ और होती। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं समाज में बिना किसी मर्द के सर उठाकर जी सकती हूँ। लेकिन हर लड़की मेरे जितनी खुशनसीब नहीं होती, इसलिए लड़कियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। प्लीज चुप हो जाओ ना, प्लीज। मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूँ, मज़ीद मत गिरो। मैं जानता हूं मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं, लेकिन मुझसे इतनी नफरत मत करो कि खुदा और उसके बंदे मेरी जिंदगी तंग करते। तुम बहुत खुशकिस्मत हो ना, तुम्हें हमदान मिल गया। अगर मैं दरबदर हो गया तो मैं भटक जाऊंगा। मेरे अलावा और कौन है जिसको आपकी पसंद नापसंद का इतना पता है? कोई मेरे इतने करीब है ही नहीं जिसको मेरी पसंद नापसंद का पता भी हो। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई होना भी नहीं चाहिए। मेरा कसूर क्या है? धमकी क्यों दे रही हूँ? बस मुझे डर लगता है कि कोई मेरे मुकाबले आके खड़ा ना हो जाए। ये लड़की मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी,
और अब इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मेरी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली, पर ये हम दोनों के बीच में कहां से आ गई? ये हम दोनों के दरमियान नहीं आई, तुम आ रही हो हम दोनों के दरमियान। तुम जानती हो तुमसे शादी का फैसला मैंने ऐना की वजह से किया था, वरना हमारे रिश्ते में कुछ नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी। बहुत अच्छा किया जो इस शख्स को तुमने आईना दिखा दिया। यार ये कोई घटिया इंसान है, ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है, ऐसे मुंह उठा के चला आया। मैं होती ना ऐसे धक्के देके निकालती बाहर। नहीं बेटे, जो खुद जमाने की ठोकरों पे पड़ा हो उसे धक्का देने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया, आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। वो वाकई बदलने की कोशिश कर रहा है, ठोकर लगने के बाद तो सभी बदल जाते हैं, माफी का एहसास भी हो जाता है, लेकिन हमेशा जख्म देने वाला याद नहीं रहता। हमेशा वो याद रहता है जिसे मरहम रखा हो। और हमदान वो पहले इंसान थे। तो क्या तुम दोनों के बीच अब सब खत्म हो चुका है? पता नहीं अब्बू, और अगर हो भी जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमदान ने मुझ पर बहुत एहसान किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, मुझे गलती के बाद सर्वाइव करने में हेल्प की, मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरी जिंदगी आसान हो गई, मेरे लिए जीना आसान हो गया, वरना आप लोगों के छोड़ जाने के बाद मैं शायद जिंदा भी नहीं रह पाती। पुरानी बातें भूल जाओ बेटा, जो कुछ हुआ तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक था। से तुम्हें रिश्तों की कदर हो गई, बेवकूफ तो तुम्हारा बाप था बेटा, जिसे एक बात की तो समझ आ गई कि बेटियों को अगर आजादी दी जाए तो उन पर एतमाद भी करना चाहिए। शायद तुम ठीक थी, मैं ही गलत था। मुझे मेरे रब ने शीशा दिखा दिया, मेरी वजह से और मेरी अना तुम तीनों की जिंदगी तबाह कर दी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अबू अभी क्या कर रहे हैं? प्लीज मत करें। क्या कर रहे हैं? हमने माजी को बुला दिया महमूद, ऐसा नहीं करें, आप भी बुला दें। ये तुम कह रही हो? आप तो किसने सबसे ज्यादा सहा? क्योंकि मैं जानती हूँ महमूद, आपको आप ऐसे नहीं हैं, बस वक्ती तौर पर बातों में आकर बदगुमान हो गए थे। अम्मी सही कहा करती थी, आप तो पढ़े थे लोग सिर्फ बड़ी लड़की। रानी बातें भूल के हम एक नई शुरुआत करें।
हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम सब एक नई शुरुआत करें और दोबारा कोशिश करें कि कोई गलती ना हो। वो आप ठीक कह रहे हैं, आप हमारे अब्बू हैं और आप हमें बहुत अजीज हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आपसे हमेशा प्यार था और हमेशा रहेगा। देखो मेरे बच्चे, मजबूर नहीं थे तुम, बस वो चैलेंज पूरा करना चाहते थे जो मेरे बाद तुमने जीता था। तुम्हारे इस मोहब्बत के धोखे ने मुझे कितना बेमोल कर दिया, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कोई ऐना थी जिसका तुमने दिल दुखाया था। यह एहसास तुम्हें अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वही सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था ना। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लड़के हैं जिनकी वजह से रोज कोई ना कोई लड़की मोहब्बत के नाम पर कुर्बान हो रही होती है, और तुम लोग बस अपनी अना की जीत मनाते हो। बदल तो मैं भी बहुत गई हूं रजा, और यकीन करो तुम क्या, मुझे किसी पर भी यकीन करने का दिल नहीं करता। और ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन का रास्ता साफ करके आई हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की कभी मोहब्बत से एतबार टूटे, कोई और लड़की भी रोज मरे, कोई और लड़की ऐना बने।
चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसे आयमा मेरा तुम्हारा दुपट्टा स्त्री कर दिया मैंने शायद तुम भूल गई थैंक यू यार इसे प्रेस करने लगती तो लेट हो जाती अब हम में इतनी दूरी आ गई है कि हक जताने के बजाय अब एक दूसरे को थैंक यू करेंगे है ना इसी दूरी ने तो हमें रिश्तों की अहमियत करना सिखा दी साथ रहते तो शायद कभी एक दूसरे की कदर ना कर पाते मुझे बचाते बचाते तुम खुद उस दलदल में धस गई मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा अरे ऐना वो मेरा नसीब था अगर तुम वजह ना भी बनती तो कोई और वजह बन जाती और वैसे भी मुझे एक बात समझ आ गई है इंसान चाहे जितना भी ताकतवर बन जाए अपने नसीब से कभी नहीं लड़ सकता पता नहीं मेरे नसीब की सख्ती कब कम होगी मेरी जिंदगी तमाशा बनना कब बंद होगी मैं थक चुकी हूँ अम्मा मेरा हमदान भाई से कोई रابطہ हुआ है रابطہ करने की कोई वजह भी तो हो जो मेरे पास बची नहीं वजह तो बहुत बड़ी है मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है ना मैं समझी नहीं तुम्हें क्या लगता है ना हमदान भाई और गुड़िया की शादी की रुकावट की वजह तुम थी या वो बेनाम रिश्ता जिसके बारे में कोई नहीं जानता था आयमा हमदान बहुत ऑनेस्ट और बहुत लॉयल इंसान है वो कभी भी बदयानती नहीं करेंगे है ना मर्द चाहे जितना ऑनेस्ट और लॉयल क्यों ना हो जाए कभी भी मजबूर नहीं हो सकता अगर उसे गुड़िया से मोहब्बत होती तो तुम्हें पता है वो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता लेकिन उसने गुड़िया का साथ देने से इनकार कर दिया इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना है ना तुम उस वजह को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं करती नहीं यार अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती पहली बार तो मैं समर गई थी इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी है ना यार जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है ना रिस्क लिया था तभी तो बेघर हुई थी मगर उस वजह से तुम कितने अच्छे लोगों से भी तो मिली ये भी तो देखो और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा दूसरों के पहल करने का इंतजार क्यों करते हैं हम खुद से भी तो पहल कर सकते हैं ना नहीं मुझे डर लगता है अगर वो नहीं माने तो और अगर मान गया तो थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो है ना जिंदगी में बहुत कुछ खूबसूरत भी है सोचना इस बारे में चलती हूँ अगर ऐसे ही था तो आयमा तुम उस्मान को माफ क्यों नहीं कर देती अगर उस इंसान का हमदान जैसा जर्फ होता ना है ना तो मैं उसे कब का माफ कर चुकी होती चलती हूँ